एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजा। तो आज मैं सोच रही थी कि हम सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया और व्हाट्सएप, फेसबुक, तो क्यों ना हम उसे 3D में बनाएं। फ़ोन में तो हमने अक्सर यूज़ ही करते हैं, तो हम उन्हें 3D में बनाते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे तो आज देखते हैं। अभी मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और अब मुझे इसे स्क्वायर शेप में मुझे कट करना है। मैंने पहले निशान लगा रखा है और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने कटिंग कर लिया स्क्वायर शेप में और हमने कोनों पे से हमने गोल कर दिया है। सेम ऐसे ही हम एक और कटिंग करेंगे। ये हमने दो स्क्वायर कटिंग कर लिए हैं। अब इसके साथ साथ हम 3 इंच के स्ट्रिप कटिंग करेंगे, 4, जो कि हमें साइड में हमें लगाना है कुछ इस तरीके से। तब हम इसे पहले लगा लेते हैं। मैं फेविकोल का यूज कर रही हूँ। अगर आपको ग्लू गन का यूज करना है या फिर किसी और चीज का, तो आप वो भी कर सकते हैं। मुझे सबसे बेस्ट फेविकोल लगता है, इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। इसलिए इसे हम थोड़ा सा रोल कर लेंगे ताकि गोलाई से आराम से गोल होके लग जाए, वरना हमें लगाने में परेशानी होगी। और इसे हमें गत्ते के ऊपर ही ऊपर लगाना है, बाहर निकालना नहीं है, कुछ इस तरीके से। बस थोड़ी देर पकड़ के रखना है, जैसी सूखे दूसरी साइड लगा लीजिए। ज्वाइन हम ऐसे करके लगाएंगे, यहाँ पे फेविकोल लगा के फिर इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से ये अच्छे से ये लग चुका है, देखिए। अब हम इसके ऊपर से एक और स्क्वायर रख देंगे, जो हमने दो स्क्वायर कटिंग किए थे इस तरीके से, और फिर ऊपर से पुश कर देना है ऐसे करके, और जो एक्स्ट्रा वो उसे ऐसे अंदर दबा देना है। तो ये रहा हमारा बॉक्स, अच्छी तरीके से सूख चुका है। सूखने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये देखिए, और काफी ज्यादा हैवी है ये देखिए। अगर आप इसके ऊपर खड़े भी हो जाओगे तो भी टूटने नहीं वाला है, इतना मजबूत बना है। तो अब हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं व्हाइट शीट हमें कटिंग करनी है और इसके ऊपर पेस्ट कर देनी है, ऊपर से, नीचे से, साइडों से। उसके बाद हम इसके अंदर कलर करेंगे। देखिए, हमने इसके ऊपर अच्छे से पेपर लगा दिया है, ऊपर नीचे साइड में, और मैंने इसके ऊपर व्हाट्सएप का लोगो बनाया है। आपको जो लोगो चाहिए वो आप बना सकते हो। तब हम इसके अंदर करते हैं कलर। जैसे कि आप जानते हो कि व्हाट्सएप तो ग्रीन होता है, तो ग्रीन ही कलर हमें करना है। तो हमने इतना कलर ब्रश से कर लिया है, लेकिन हमें कलर जल्दी करना है, ब्रश से बहुत टाइम लगा है। तो मैंने कॉटन नहीं, मैं कॉटन से करने वाली हूँ। कॉटन से क्या होगा, कॉटन से जल्दी हो जाएगा और सब तरफ से एक ही तरीके से दिखेगा। जैसे कि आप देखो, मैंने यहाँ से ब्रश से किया है तो यहाँ पे लाइनिंग आ गई है, लेकिन जब हम कॉटन से करते हैं तो कॉटन से लाइनिंग नहीं आती है, और फिर जल्दी भी हो जाता है। देखिए कितनी जल्दी हो गया, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे ब्रश से करना चाहिए, वहाँ पे आप ब्रश से कर लो और बाकी का आप कॉटन से करो या फिर स्पंज से करो। तब यहाँ का भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, कॉटन से कितने अच्छे तरीके से हो गया और इसके ऊपर लाइनिंग भी नहीं बनी जो ब्रश से करते टाइम बन रही थी। ये देखिए, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करने वाले हैं, सेम इसी साइड। तो ये हमारा व्हाट्सएप हो गया है रेडी, अच्छे से हमने इसके अंदर आगे पीछे प्लग कर लिए हैं। तब ये तो बन चुका है। अभी स्नैपचैट है, देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है ये। तब आप लोग सोच रहे होंगे इसका लोगो कहाँ है। तो ये है इसका लोगो, जो कि मैंने पेपर से कटिंग करके बनाया था। अब हम इसके अंदर लगा दें इस तरीके से। तो ये हमारा तैयार हो गया स्नैपचैट। वैसे स्नैपचैट के तो बहुत सारे लोगो होते हैं, लेकिन मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पुराना लोगो है वो यही वाला है, तो इसलिए मुझे यही वाला लोगो अच्छा लगा, मैंने यही बनाया। आपको जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। स्नैपचैट के बहुत सारे न्यू लोगो आ चुके हैं। ये हमारा व्हाट्सएप जो कि रेडी है। देखिए, हमारे लोगो बन के तैयार हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने एक लोगो नहीं बनाया था, मैंने बहुत सारे लोगो बनाए थे, मैंने वीडियो में भी कहा था, और आप देख भी सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम भी बनाया है, स्नैपचैट बनाया है, यूट्यूब बनाया है, फेसबुक बनाया है, व्हाट्सएप बनाया है, और भी पता नहीं बहुत सारे ऐप होते हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैंने वही बनाए हैं। और आपको ये कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। इन्हें हम अक्सर फ़ोनों में यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन आज मैंने ये कार्डबोर्ड से बना भी लिए। तो
तो आप मुझे बताएगा इन ऐपों में से ऐसा कौन सा ऐप है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो। मैं बताती हूँ मैं सबसे ज्यादा कौन सा यूज करती हूँ। मैं सबसे ज्यादा यूट्यूब यूज करती हूँ। यूट्यूब में बहुत देखती हूँ। वैसे तो मैं सभी यूज करती हूँ। और अगर जो आपको ऐप अच्छा लगे उस और जो ऐप आप बनाना चाहते हो आप वो भी बना सकते हो। मुझे तो ये अच्छे लगे थे, मैंने सिर्फ ये 5 बना दिए हैं। और आपको ये कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन्हें बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। और अगर आप इन्हें बना के अपनी वॉल पे लगाएंगे आपकी वॉल भी घर की बहुत अच्छी लगने वाली है। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।